अस्सलाम वालेकुम। इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के हवाले से हमने अपने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है और हम आपको इस सीरीज़ में सिखाएंगे कि आप किस तरह बआसानी अपने मोबाइल अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी मोबाइल अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करना, बिल की अदायगी, किसी बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करना, मोबाइल रिचार्ज, ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ में सिखाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है, हम आपको इस वीडियो में ये सिखाएंगे कि आप किस तरह किसी दूसरे मोबाइल अकाउंट में रकम मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बआसानी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इजी पैसा ऐप, तो ये मेरे पास, ये देखिए इजी पैसा ऐप सबसे टॉप पे आ रहा है, मैं इसे क्लिक करूँगा। मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ तो मेरे पास ओपन सिर्फ आ रहा है। ठीक है, मैं इसे ओपन करूँगा, ये ओपन हो रहा है। हाँ, मैं इसे साइन इन पे क्लिक करूँगा। मैंने अपने ये फिंगरप्रिंट पे सेट किया तो लिहाजा मैं फिंगरप्रिंट यूज़ करूँगा अपना। ये देखिए मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब आज का जो हमारा वीडियो, तो हम किसी दूसरे अकाउंट में किस तरह रकम मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मनी ट्रांसफ़र आ रहा है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। मनी ट्रांसफ़र आपको सेलेक्ट करना है और ये टॉप पे आ रहा है इजी पैसा मोबाइल अकाउंट। ठीक है, आप इजी पैसा मोबाइल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ओ नंबर दर्ज करेंगे, ओ नंबर इंटर करेंगे जिसे आप रकम भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ नंबर रखूँगा, अकाउंट नंबर, और इंटर अमाउंट आ रहा है जो रकम हम उन्हें भेजना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी जो मिनिमम है 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम आप डेली के बेसिस पे से 50,000 भेज सकते हैं एक अकाउंट पे। ठीक है, जो आपकी लिमिट है वो डेली के बेसिस बेस पे वो है 50,000, 1 रुपये से लेकर आप इसे 50,000 डेली भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे 1,000 करूँगा। हाँ, ये देखें, ये अकाउंट टाइटल शो हो गया। ठीक है, और इसमें रकम ट्रांसफ़र करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक चीज़ ध्यान में रखें, जिस अकाउंट में हम रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन अकाउंट टाइटल और नंबर बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, बाय मिस्टेक हम इसे कहीं और भेज देते हैं, तो ये अमाउंट हमें रिफ़ंड नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखें कि हम जिसके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका अकाउंट टाइटल और नंबर बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, अगर ये आपका अकाउंट टाइटल बिल्कुल दुरुस्त होगा तो आप इसे सेंड नाउ करेंगे। ठीक है, मैं सेंड नाउ को यूज़ करूँगा। ये देखें, ये ट्रांसेक्शन सक्सेसफुल, ये हमारी रकम जो है कामयाबी से मुंतकिल हो गई है। और मैं इसे क्लोज करूँगा, बैक जाऊँगा। ठीक है, ये करंट बैलेंस में क्लिक करूँगा, ट्रांसैक्शन हिस्ट्री में हम ये अपने ट्रांसैक्शन हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं और दोबारा और ट्रांसैक्शन भी चेक कर सकते हैं जिसे हमने रकम मुंतकिल कर दिया है। ठीक है, ये देखें, ये वो रिसिप्ट है जिसे हमने दोबारा ओपन किया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम अपने अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे आप किस तरह किसी दूसरे अकाउंट में, किसी बैंक अकाउंट में किस तरह रकम मुंतकिल कर सकते हैं। अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।